कौन सा व्यक्ति हरियाणा का मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं ये अपना है, अपना ये जो प्रोजेक्ट है ये अपना। वो मीडिया जिसे आप भी खुदी मीडिया कहते हैं उसमें अब तक माफीनामा नहीं आया। क्या चाहते हैं आप? क्या आप विंडो पे विंडो काट करके ये बताते रहे कि ये मॉल तेजस्वी जी का है? और जब तेजस्वी प्रसाद यादव साक्ष्य और सबूत आपके सामने परोसते हैं तो आप चुप्पी साध लेते हैं। बात का डर है आपको, बिहार आपके हाथ से निकल गया, तेजस्वी जी और नीतीश जी साथ आ गए जिससे कि उत्तर भारत में पूरी लहर बदल गई। कुव्वत ही नहीं है। आपने क्या किया जो बहुत खूबसूरती से तेजस्वी जी कहते हैं, भाजपा के तीन जमाई ईडी आईटी सीबीआई। नमस्कार, मैं प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में 24 अगस्त को सीबीआई ने लगभग आधा दर्जन आरजेडी नेताओं के घर छापे मारे। इसके अलावे हरियाणा के गुरुग्राम में भी सीबीआई ने अर्बन क्यूब नाम के एक मॉल में छापा मारा। वाइटलैंड कॉरपोरेशन कंपनी जो है इस मॉल का निर्माण कर रही है, और जो खबरें दिखाई गई कई अलग अलग चैनलों पर, दावा किया गया कि यह मॉल तेजस्वी यादव का है, इस मॉल में तेजस्वी यादव के पैसे लग रहे हैं। और यही वजह है कि सीबीआई हरियाणा के गुरुग्राम के उस मॉल में छापेमारी करने पहुंच गई। लेकिन तेजस्वी यादव ने कल पूरे साक्ष्य के साथ ये साबित कर दिया कि उस मॉल में उनका कहीं से भी नाम नहीं है, और साथ ही साथ वो शेयर होल्डर भी नहीं है। तेजस्वी पूरी तरीके से कल फायर थे, लेकिन आज तेजस्वी यादव के ओर से एक बार फिर से आरजेडी ने भारतीय जनता पार्टी और सीबीआई को चेताया है। तेजस्वी यादव के दल आरजेडी के नेता मनोज झा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सीबीआई माफीनामा जारी करे। साथ ही यह भी कहा है कि बीजेपी की तो हैसियत ही नहीं है हमसे लड़ने की, पॉलिटिकली लड़ाई लड़िए, हम लड़ने को तैयार हैं, सीबीआई की हिम्मत है क्या? हरियाणा के मुख्यमंत्री, दीवानी के सांसद और मेयर के खिलाफ केस दर्ज करें? जिस मॉल में सीबीआई ने छापा मारे वो मॉल भाजपा के नेता का है, उस मॉल का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री करते हैं और कहते हैं कि ये अपना मॉल है। सुनवाते हैं पहले मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं। साथियों, आज के इस बहुत अर्ली मॉर्निंग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे एक साफ सा मकसद है कि कल हमारे नेता डिप्टी सीएम तेजस्वी जी ने दिन के 2 बजे आपके सामने कुछ साक्ष्य रखे थे। वाइटलैंड प्रोजेक्ट का और उससे जुड़ा हुआ अर्बन क्यूब मॉल का सारे साक्ष्य सबूत मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से, 100% शेयर होल्डिंग किनकी है उनके नाम के साथ। कौन सा व्यक्ति हरियाणा का मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं ये अपना है, अपना ये जो प्रोजेक्ट है ये अपना है? कौन कौन लोग और वहां थे? भिवानी के सांसद किस पार्टी के हैं? भाजपा के। धर्मवीर जी, मेयर थी मधु आजाद जी, किस पार्टी के हैं? भाजपा के। सीएम किस पार्टी के हैं? भाजपा के। और 20 घंटे से ज्यादा हो गए, 20 घंटे से ज्यादा हो गए जब तेजस्वी जी ने साक्ष्य और सबूत रखे, मीडिया के उस वर्ग में, वो मीडिया जिसे आप भी खुदी मीडिया कहते हैं उसमें अब तक माफीनामा नहीं आया। क्या चाहते हैं आप? क्या आप विंडो पे विंडो काट करके ये बताते रहे कि ये मॉल तेजस्वी जी का है? और जब तेजस्वी प्रसाद यादव साक्ष्य और सबूत आपके सामने परोसते हैं तो आप चुप्पी साध लेते हैं। ये पत्रकारिता नहीं है। आप किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? और मैं तो पूछना चाहता हूं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से कि 20 घंटे हो गए आपने माफी क्यों नहीं मांगी? क्योंकि हमें, हमारे पास पत्रकारों की एक बहुत बड़ी टोली है जिनका व्यवहार मालिकों से अलग है।
दसवें और ग्यारहवें फ्लोर सीबीआई के दिल्ली ऑफिस में, केंद्रीय कार्यालय में, वहां से एक दो व्यक्ति बाहर खड़े होते हैं और जिस दिन यहां छापा पड़ रहा है उस दिन वो कहते हैं कि ये मॉल तेजस्वी का है, प्लांट वहां से हुआ। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, उन पत्रकार दोस्तों के पास वो सारी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। नंगा कौन होगा? नंगा राजा होगा, राजा के सिपाही सलार होंगे और राजा की कठपुतली पर के सामने कठपुतली की तरह व्यवहार करने वाले मीडिया के साथी होंगे। इस देश के हर नागरिक का हर नागरिक ये नंगा ही देख रहा है। किस बात का डर है आपको? बिहार आपके हाथ से निकल गया, तेजस्वी जी और नीतीश जी साथ आ गए, जिससे कि उत्तर भारत में पूरी लहर बदल गई। क्या बिहार, क्या झारखंड, क्या उत्तर प्रदेश अब आपको सीट के लाले पड़ने वाले हैं। और चूंकि सीट के लाले पड़ने वाले हैं तो आप पॉलिटिकल लोग नहीं हो, आप राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ना जानते हैं, आपके कुव्वत ही नहीं है। आपने क्या किया? जो बहुत खूबसूरती से तेजस्वी जी कहते हैं, भाजपा के तीन जमाई ED, IT, CBI, अब इन जमाइयों को आगे करके अगर घर को तहस नहस करने की योजना बना रहे हैं तो आपको आगाह किया जाता है और CBI से यह आग्रह किया जाता है कि माफीनामा जारी करें। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा को आप सुन रहे थे, CBI माफी मांगे और केस दर्ज करे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ, केस दर्ज करे दीवानी के सांसद के खिलाफ, मेयर के खिलाफ, जिस मॉल में CBI ने छापे मारे तेजस्वी यादव के नाम पर, वो मॉल सीधे तौर पे भाजपा के बड़े नेताओं के संपर्क वाले लोगों से जुड़ा हुआ है। CBI क्या कार्रवाई करेगी? CBI को माफीनामा जारी करने को लेकर आग्रह किया है मनोज झा ने और बीजेपी को चेताया है। फिलहाल अपडेट बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।